एक्सरसाइज का जो सेकंड सम है इसमें हमको प्रूव करना है कि टैन 48 डिग्री, टैन 23 डिग्री, टैन 42 डिग्री, टैन 67 डिग्री की जो वैल्यू होगी सॉल्व करने के बाद वो 1 के इक्वल आएगी। तो इसको प्रूव करना है हमने, तो मतलब रिजल्ट हमें मालूम है, बट जस्ट रिजल्ट को लेके आना है कि कैसे ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर अगर मैं टैन 48 को ब्रेक करता हूँ तो इसका कंपेयर इससे करूँगा तो नहीं होगा, टैन 42 को कंपेयर ब्रेक करता हूँ तो इसको जब मैं कंपेयर करूँगा 67 से तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इनको चेंज करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टैन 48 डिग्री को यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद इसे लिखता हूँ टैन 42 डिग्री, फिर उसके बाद ये लिखता हूँ टैन 23 डिग्री, उसके बाद टैन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 मुझे लेकर आना है। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, अब टैन 48 की मुझे वैल्यू तो मालूम नहीं, बट मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ टैन 90 माइनस 42, तो मेरे पास ये टैन 48 ही बनेगा, यही बनेगा ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है स्टूडेंट सब में, मैंने आपको पीछे भी बताया था जिसमें कुछ नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई टैन 48 डिग्री, उसके बाद मल्टीप्लाई, इस टैन को मैं ब्रेक कर देता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ टैन 90 माइनस 67, तो 23 बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई टैन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब ये टैन की जो, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये देखो ये इस टाइप का नहीं बन रहा, ये इस टाइप का टैन 90 माइनस थीटा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, कॉट 42, क्योंकि थीटा मेरे पास क्या है 42, ओके ये हो गया, मल्टीप्लाई टैन 42 डिग्री, मल्टीप्लाई, अब ये भी बिल्कुल इसका ही बन रहा है इसका ही, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉट 67 डिग्री, मल्टीप्लाई टैन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब ये देखो ये मैच हो रहे हैं ना, 48 48 67 68, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है, इसको मैंने पहले लिखा, फिर इसको मैंने बाद में लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा, तो ऐसे हो गया। तो अब याद कीजिए स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 8.2 में एक बात की थी कि जो कॉट थीटे का फॉर्मूला होता है वो रेसिप्रोकल होता है टैन का, हमने ये बात की ना, और जो टैन टैन का फॉर्मूला होता है वो कॉट का होता है। अब यहाँ पर जो कॉट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट थीटे को 1 ओवर टैन थीटा, टैन थीटा, थीटा कितना है 42, ऐसे लिख दिया, ओके मल्टीप्लाई ये टैन 42 ऐसे मल्टीप्लाई, इस कॉट को भी मैं ऐसे लिखता हूँ टैन की फॉर्म में 1 बाय टैन 67 डिग्री, मल्टीप्लाई टैन 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखो ये कट गया, रिजल्ट क्या गया 1, तो ये मेरा आंसर है, यही प्रूव करना था ना, यहाँ पर आपको लिखना होता है, हैंस प्रूव, ठीक है, यही हमने करना था। अब बात समझ में आ गई हमने ऐसा क्यों किया है, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, इस टैन 48 को मैंने पहले लिखा क्योंकि मैंने इसको सेम करना था, थीटे को मैंने एक जैसा करना था, और इस 23 को मैंने बाद में लिखा क्योंकि मैंने इन थीटों को इक्वल करना था, तो इसलिए जब ये इक्वल हो गए तो फिर ये चेंज हो गए कॉट में, ये कॉट में चेंज होगी, और कॉट थीटा हमें मालूम है कि रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो इसको 1 बाय टैन की फॉर्म में लिख ला ऐसे करके, फिर ये कट हो गए, तो रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड सम है तो वो बहुत इजी है, मैंने कैसे भी कैसे करके इनको माइनस करने के बाद इसे ज़ीरो लेकर आना है, मैंने कैसे भी करके इनको माइनस करके ज़ीरो लेकर आना है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर साइन बना देता हूँ तो उसके बाद ये साइन माइनस हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर यहाँ पर मैं कॉस बना देता हूँ तो माइनस कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ज़ीरो ही लेकर आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइन में चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं साइन में चेंज करूँगा, इन ये कॉस के जो फॉर्मूले हैं, ये जो कॉस की आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, तो इसको मैं साइन में कैसे चेंज करूँगा, जब मैं इसको इस
फॉर्म में बनाऊंगा, तो ये साइन बन जाएगा ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस को कॉस 90 माइनस 52 डिग्री, तो मेरे पास 38 ही बनेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री माइनस 52, बनाने के लिए 90 में कितने माइनस करें, 38, ठीक है, 38 डिग्री माइनस, इसको नहीं चेंज करते, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, अब इस फॉर्म में बन गया ना, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है 52, ये थीटा होता है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी वही साइन थीटा, साइन 38 डिग्री माइनस ये कितना है, साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ही बन रहा है, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, तो ये इनको सेम सेम ही है, तो रिजल्ट कह रहा है 0, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सम हमारा कंप्लीट हुआ है, अगर समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।